अखिल भारतीय ग्रामीण डाक महासंघ दिल्ली के आह्वान पर धर्मशाला डाक मंडल के ग्रामीण डाक सेवक 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। ग्रामीण डाक सेवकों ने उप डाकघर जसूर के सामने अपनी मांगों को रखकर जमकर नारेबाजी की तथा बाजार में रैली निकाली, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण डाक सेवकों के मंडलीय उप प्रधान दीदार सिंह ने केंद्रीय सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। डाक सेवकों की मुख्य मांग है कि एलियस कमेटी की सकारात्मक सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडलीय उप प्रधान दीदार सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। दीदार सिंह ने कहा कि आज हड़ताल का 10वां दिन है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी यह हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नूरपुर में एक विशाल रैली निकाली जाएगी, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उस दिन उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। करे हुए आज 11 दिन हो गए, मगर सरकार ने आज तक कोई फैसला नहीं हमारे प्रति किसी प्रकार की बात नहीं। कहते हैं हड़ताल बिना शर्त से वापस ले लो, मगर ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये फैसला या लिखित रूप से जब नहीं मानते, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है जिसका संघर्ष जो है इससे भी ज्यादा तेज हो जाएगा। ये कम है देखने को मिल रहा और सोमवार से इतना तेज हो जाएगा कि हर कोने में तो हो चुके हैं हड़ताल।